guys, welcome to our channel. In this video, we will learn about basic batch scripting. ठीक है, तो मैं notepad open कर लेता हूँ. इसमें first command है echo. इससे क्या होता है कि कोई भी text print कर सकते हैं अपन. ठीक है, जैसे मैंने लिखा echo hello world. ठीक है, मैं इसको save कर देता हूँ. और इसका extension रहेगा .bat या तो .cmd, कोई भी इन दोनों में से कोई भी एक्सटेंशन लग सकते हैं. ठीक है, मैं इसका एक्सटेंशन .bat रख देता हूँ, बेसिक .bat फाइल. ठीक है, और यहाँ से टेक्स्ट मतलब सेवेस टाइप को ऑल कर देना. ठीक है, ये .bat फाइल में सेव हो जाएगी. हाँ, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ. देखिए, आपको लग रहा होगा ये रन नहीं हुई, पर ये ओपन हुई. इसने echo hello world प्रिंट किया और ये बंद हो गई. यहाँ पे क्या हुआ है कि अपन ने पॉज कमांड लगाई. ये क्या होता है कि ये अपना कमांड रन करता है और बंद हो जाता है cmd. पर अपन को क्या करना है कि यहाँ पे पॉज कमांड लगानी. पॉज कमांड स्क्रीन को होल्ड करने में काम आती है. ठीक है, मैं पॉज कमांड लगाता हूँ, इसको सेव करता हूँ और वापस ओपन करता हूँ. देखिए, फर्स्ट कमांड रन हुई है echo hello world और यहाँ पे hello world प्रिंट हो गया, उसका आउटपुट hello world आ गया है. और देन रन हुई है पॉज कमांड, तो पॉज कमांड से इसने स्क्रीन होल्ड करके रखी है पॉज कमांड में. ओके, नेक्स्ट कमांड अपन देखते हैं echo dot. इसमें क्या होता है कि जो अपन जैसे ब्लैंक स्पेस देंगे, इतने स्पेस दे देंगे ना, ये नहीं डिस्प्ले होंगे, कमांड ही डिस्प्ले होती है. echo hello world फर्स्ट कमांड रन होगी, देन पॉज रन होगी. पर अपन इतने echo dot ये लिखेंगे ना, तो एक ब्लैंक लाइन आ जाएगी. मतलब जैसे अगर अपन को ब्लैंक लाइन लेनी है कमांड दे के, तो अपन echo dot लिख देंगे. ठीक है, देखिए, फर्स्ट echo hello world रन हुई है, देन echo dot के बाद यहाँ पे कोई मतलब आउटपुट नहीं आया, मतलब वो ब्लैंक लाइन दी है उसने. उसके बाद नेक्स्ट कमांड है echo off. ठीक है, echo off कमांड क्या करती है, जो ये पाथ दिख रहा होगा आपको C drive users, ये पाथ को डिस्प्ले करना बंद कर देती है. ठीक है, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको. देखिए, मैंने इसको सेव कर लिया है, मैं रन करता हूँ. देखिए, फर्स्ट कमांड रन हुई echo off और उसके बाद यहाँ echo off रन हुई, उसके बाद उसने डिस्प्ले देना बंद कर दिया है. मतलब जो पाथ डिस्प्ले हो रहा था बार बार, वो होना बंद हो गया. सीधे फिर अपने कमांड लगी होगी echo hello world, पर वो कमांड नहीं दिखी, सीधा अपन को उसका आउटपुट दिखा है hello world. ठीक है, तो echo off कमांड जो है वो पाथ को डिस्प्ले करना बंद कर देती है. अब वापस एक और कमांड है echo on, ये क्या करती है कि पाथ को वापस डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देती है. जैसे echo off बंद करती है, वैसे echo on स्टार्ट कर देती है. मैं इसको वापस रन करके दिखा, तो देखिए, फर्स्ट कमांड echo off, फिर echo off रन हुई, मतलब पाथ डिस्प्ले होना बंद हो गया. उसके बाद hello world, मतलब जो कमांड लगाई थी echo hello world, वो रन हुई, उसका पाथ डिस्प्ले नहीं हुआ. उसके बाद एक और कमांड लगा echo on, वो भी डिस्प्ले नहीं हुआ. पर उसके बाद क्या हो गया कि echo on, मतलब वापस पाथ दिखना डिस्प्ले होगा, तो पॉज कमांड में वापस डिस्प्ले हो गया वो पाथ. ठीक है, नेक्स्ट कमांड है, जैसे echo on और echo off लिखते हैं, ये अपन क्या करते हैं, एक बार में ऑफ हो जाता है, पर जैसे मेरे को लिखना है echo hello world, पर इसको डिस्प्ले नहीं करना echo hello world कमांड को. ठीक है, तो मैं लिखूंगा @ echo hello world. ठीक है, इससे क्या होगा कि मतलब कि वो जिस कमांड में अपने @ लगाया वो डिस्प्ले नहीं होगी. देखिए, मैंने echo hello world के सामने @ लगाया था, वाली कमांड डिस्प्ले नहीं हो रही, पर पॉज वाली डिस्प्ले हो गई. ठीक है, अब इसका अपन यूज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अपन को फर्स्ट कमांड से ही डिस्प्ले नहीं करवाना, मतलब फर्स्ट कमांड से एक भी पार्ट डिस्प्ले नहीं करवाना. ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा @ echo off. ठीक है, echo off होगा, echo off पूरे पार्ट को डिस्प्ले कर दे, बंद कर देगा, पार्ट दिखाना बंद कर देगा. और @ जहाँ पे echo off रन होगा उस पे भी पाथ नहीं दिखाएगा, मतलब अपना एक भी पाथ, मतलब वो पाथ नहीं दिखेगा. ये देखिए, एक भी पाथ नहीं दिखेगा. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कमांड देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको प्रेस एनी की टू कंटिन्यू. इसमें क्या है कि पॉज करके रखा, जैसे कोई भी की प्रेस, की प्रेस की बंद हो गया, दोबारा दिखा दो, की प्रेस की बंद हो गया. ठीक है, पर वो जो दिख रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये आपको डिस्प्ले नहीं करना है. ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, पॉज के आगे ग्रेटर देन नल, मैं इसको सेव कर देता हूँ और रन करके दिखा दो. देखिए, वो रन दिख नहीं रहा है. ठीक है, इससे क्या होता है कि ग्रेटर देन नल लगाते हैं ना अपन, तो जिस कमांड पे ग्रेटर देन नल लगाएंगे वो कमांड उसका आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगा अपन को. ठीक है, मैं कुछ की प्रेस करूंगा, वर्क जरूर करेगा, की प्रेस करूंगा बंद हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट कमांड देखते हैं टाइम आउट. ठीक है, ये कब यूज करते हैं, जैसे कि मेरे को पॉज नहीं लगाना, मतलब स्क्रीन को होल्ड करके नहीं रखना,
मेरे को करना है कि स्क्रीन 5 सेकंड तक अपने आप होल्ड है और फिर बंद हो जाए, ठीक है। मतलब आपको टाइम आउट कमांड, टाइम आउट स्लैश टी और 5 सेकंड दे देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस और रन करके दिखाता हूँ, देखिए 5 4 3 2 1 स्क्रीन बंद हो जाएगी, हो गई। 5 सेकंड तक स्क्रीन को होल्ड करके रखा था उसने। अब मेरे को ये डिस्प्ले नहीं करना, तो मैं इसको नल, ग्रेटर देन नल कर दूंगा आगे। देखिए 5 4 3 2 1 ये बंद हो गई, ठीक है। तो और इसमें एक और चीज़ होती है, जैसे कि ये रन हो रही है ना, मैं इसको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये 5 4 3, पर यहाँ पे क्या कोई भी की प्रेस करना हो तो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इसके आगे कमांड लगा सकते हैं, नो ब्रेक, ये आ रही है क्या, ठीक है। इससे क्या होगा कि मैं कुछ भी बटन, मतलब अगर कीज प्रेस करूँगा, 5 सेकेंड नो ब्रेक, मैंने ब्रेक ले, ठीक है। देखिए 5 4 मैं कीज प्रेस कर रहा हूँ पर ये बंद नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ कंट्रोल सी से ही अपन वो कमांड, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर सकते हैं, ठीक है। नो ब्रेक, और फिर अगर वो दिखाना नहीं अपन को तो नल। इससे होगा क्या कि 5 सेकंड में अपने आप ही बंद हो जाएगा, और कोई की भी प्रेस करेंगे तब भी बंद नहीं होगा, फिर 5 सेकंड रुकना पड़ेगा अपने, ठीक है। नेक्स्ट कमांड देखते हैं अपन, नेक्स्ट कमांड देखेंगे कलर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है जैसे कि यहाँ पे पॉज लगा देता हूँ, पॉज करना है। अब मेरे को है ना ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट तो करवाना है, पर इसका कलर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते कलर 0A, मेरे को 0A कलर पसंद है। 0 से क्या, 0 ब्लैक, मतलब अपन इसमें दो कलर दे रहे हैं एक बार में, एक 0 जो बैकग्राउंड है, मतलब दो कलर दे रहे, तो एक बैकग्राउंड का और एक आगे का टेक्स्ट का कलर, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर 0 मतलब ब्लैक हो जाएगा और A मतलब ग्रीन हो जाएगा, डार्क ग्रीन। मैं इसको सेव करता हूँ, रन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया है और टेक्स्ट कलर ग्रीन हो गया है। अगर आपको कलर देखना है कौन से क्या कलर आता है, मतलब आपको अगर अपने हिसाब से कलर सेट करना है, तो यहाँ पे लिखो कलर, ये देखिए कलर की लिस्ट आ गई है, 0 से ब्लैक, 1 से ब्लू, 2 से ग्रीन। जैसे मेरे को चाहिए ब्लैक और रेड, तो 04 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, 04, ठीक है। इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ब्लैक और टेक्स्ट कलर रेड, ठीक है, देख लीजिए आप। और अगर आपको और भी कलर देखने हैं तो आप CMD में टाइप कर सकते हैं कलर्स हेल्प, तो आपको जितने भी कलर्स इसमें होंगे सब दिख जाएंगे। मैं इसको बंद कर देता हूँ और नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट कमांड है टाइटल। टाइटल कमांड में क्या होता है, जो टाइटल होता है कमांड प्रॉम्प्ट का, मतलब जो अपना फाइल बनी उसका टाइटल होता है, जैसे मैं देख लीजिए यहाँ पे टाइटल क्या है, सी विंडोज सिस्टम 32 CMD, ठीक है। ये टाइटल चेंज करना है, ये टाइटल चेंज करके मुझे वहाँ पे द हैकर अखिल प्रिंट कराना है, ठीक है, या तो मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, ठीक है, तो या हाई वर्ल्ड, तो मैं कुछ भी करा सकता हूँ। मैं लिखूँगा टाइटल हाई वर्ल्ड, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ और रन करता हूँ। देखिए ऊपर हाई वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, जो टाइटल है उसका उसका टाइटल है हाई वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे ही अपन टाइटल चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मुझे जैसे मैंने प्रिंट कराया इको हेलो वर्ल्ड, ठीक है, उसके जस्ट उसके 5 सेकंड बाद मेरे को प्रिंट कराना है इको हाई वर्ल्ड, ठीक है। पर मेरे को क्या करना है, फर्स्ट जो प्रिंट हुआ इको हेलो वर्ल्ड, मतलब हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट हो रहा है उसका कलर रखना है ग्रीन या रेड, रेड रख दे देते हैं अपन, ठीक है। और नेक्स्ट जो प्रिंट होगा हाई वर्ल्ड उसका कलर मेरे को देना है ग्रीन, तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूंगा, कलर 0A मतलब ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और कमांड जो मैं बताना चाह रहा था आपको, वो है CLS। ये क्या करती है, स्क्रीन को क्लियर कर देती है, ठीक है। इससे क्या होगा कि पहले अपनी कलर कमांड रन होगी, जिससे 0A अपन जो उसके बिल्डिंग दिए, मतलब बैकग्राउंड कलर ब्लैक और टेक्स्ट का कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। उसका टाइटल अपन हटा देते हैं, वैसे टाइटल से तो पता ही आपको हाई वर्ल्ड लिखाएगा टाइटल में, और हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा रेड कलर में, और फिर उसके बाद 5 सेकंड रुकेगा वो, जो अपन को दिखेगा नहीं क्योंकि मैंने नल दे दिया, ग्रेटर देन नल कर दिया है, फिर स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। फिर कलर चेंज होगा, 0A दिया है मतलब कलर ग्रीन हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट कलर ग्रीन हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा, और फिर प्रिंट होगा इको हाई वर्ल्ड। और ये भी मैं रखता हूँ इसको टाइम आउट 5 सेकंड तक, ठीक है।
तो ये भी नहीं दिखेगा अपन को। और फिर एक और कमांड आपको बताता हूँ इसमें, exit, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो अपना एप्लीकेशन खुलेगी, मतलब टर्मिनल खुलेगा, CMD खुलेगा, वो वापस बंद हो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ। देखिए पहले हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, ये वेट करेगा 5 सेकंड तक। फिर उसके बाद अपना 5 वर्ल्ड प्रिंट हुआ और उसके बाद और 5 सेकंड रुक के ये क्लोज हो जाएगा। देखिए ओके गाइस, तो इसी लास्ट कमांड के साथ अपनी बेसिक स्क्रिप्टिंग खत्म हो गई है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही अपकमिंग वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।